हेलो माय डियर बच्चों, कैसे हो आप लोग बच्चे। लॉकडाउन चल रहा है बट इस लॉकडाउन की छुट्टियों को बिल्कुल वेस्ट मत होने दो बच्चे। 12th क्लास है आपका, बहुत ज़्यादा कीमती वक्त है, तो इस लॉकडाउन की छुट्टियों का जितना ज़्यादा अच्छी तरीके से फ़ायदा उठा सकते हो अपनी पढ़ाई में उठाओ। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकते हो, पूरा दिन खाली हो मेहनत करो। फिलहाल चलिए हम लोग अपने अगले टॉपिक पे चल रहे हैं। इस टॉपिक में मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, जिसकी हेल्प से आप इस चैप्टर में आने वाले आगे न्यूमेरिकल्स को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बताऊंगा, उसके बाद उसकी हेल्प से न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप वो बताऊंगा, जो कि आपको इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने दोनों में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। फिलहाल चलिए बेटा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या चीज़ होती है, पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात कर लें। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट्स दैट इफ़ अ नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, देन द फोर्स ऑन द गिवन चार्ज, देन द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्ट। पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात कर लें। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट्स दैट इफ़ अ नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, देन द रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एग्जर्टेड बाई ऑल द अदर चार्जेस ऑन द गिवन चार्ज। बच्चे इसका मतलब क्या है वो आप समझिए। जैसे पहले, इससे पहले हमने कूलम्स लॉ में पढ़ा था कि अगर दो चार्जेस हैं, वह हमने दो चार्जेस की बात करी थी, जैसे एक Q1 और एक Q2 सेपरेटेड बाय r डिस्टेंस, तो यहाँ पे तो हमने सिर्फ दो चार्जेस के बीच की फोर्स निकाली थी, जिसका फॉर्मूला था 1/4πε0 Q1 Q2/r². अब मान लें बच्चे, यहाँ दो चार्जेस के साथ साथ तीसरा, चौथा, पांचवा, बहुत सारे चार्जेस आ गए, तो अगर गिवन चार्ज पे हमें फोर्स निकालनी है उन सारे चार्जेस की वजह से, तो कैसे निकालेंगे वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बताता है। तो चलिए ये मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ। पहले चार पांच चार्जेस हैं, जैसे चलिए लेट से चार चार्जेस ले लें। मान लें ये इस तरीके से एक चार्ज है, सारे हम पॉजिटिव ले रहे हैं फॉर अवर कन्वीनियंस। ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है और Q4 चार्ज है। मान लें बच्चे कि इसके बीच का डिस्टेंस है R23, इसके बीच का डिस्टेंस है आपका R12, 1 और 4 के बीच का डिस्टेंस है R14 और 3 और 4 के बीच का डिस्टेंस है R34 और 1 और 3 के बीच का डिस्टेंस मान लें कितना है R13। बच्चे अब मान लें कि अगर हमें गिवन चार्ज, ये वाला गिवन चार्ज है, इस गिवन चार्ज पे नेट फोर्स निकालनी है, तो इस चार्ज पे कितने लोग फोर्स लगाएंगे? जी हाँ, Q2 भी इस पे फोर्स लगाएगा, Q3 भी लगाएगा, Q4 भी इसे धक्का मारेगा। अगर इस पे रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है तो पहले उन फोर्सेस का डायरेक्शन बनाइए। बताइए Q1 वाले चार्ज पे Q2 जो फोर्स लगाएगा किस डायरेक्शन में लगाएगा? Q2 इसको कहाँ ले जाएगा, अपनी तरफ खींचेगा या धक्का मारेगा? हाँ, प्लस है, ये भी प्लस है, तो इस पे धक्का लगेगा। इस फोर्स का नाम हम लिख दे रहे हैं फोर्स ऑन 1 due to 2। ठीक है, ऐसे ही 3 वाला इसे कहाँ ले जाएगा, ये प्लस है, तो इस प्लस को ये धक्का मारेगा। धक्का मारने की वजह से ये इस डायरेक्शन में जाएगा। इस फोर्स का नाम लिख दे रहे हैं फोर्स ऑन 1 due to 3। ऐसी 4 वाला भी प्लस है, प्लस वाला प्लस को कहाँ खींचेगा, ये धक्का मारेगा, धक्का मारेगा, जिसकी वजह से ये प्लस वाला इसकी वजह से इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये फोर्स की डायरेक्शन हो गई फोर्स ऑन 1 due to 4। ऊपर हम वेक्टर का साइन लगा रहे हैं। तो बेटा ये 3 फोर्सेज इस पे लगेंगे, तो अगर हम इस पे रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है, रिजल्टेंट फोर्स ऑन 1, तो इट विल बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल द अदर फोर्सेज, फोर्स ऑन 1 due to 2, फोर्स ऑन 1 due to 3, फोर्स ऑन 1 due to 4। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बच्चे ध्यान रखो, यहाँ हम शब्द यूज़ कर रहे हैं कि रिजल्टेंट फोर्स इज द वेक्टर सम,
वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस, मतलब कहने का ये कि बच्चे मान लें जैसे ये तीनों फोर्सेस, एक 5 न्यूटन है, एक 4 न्यूटन है, एक 5 न्यूटन है, तो ये नहीं कि अगर इस पे रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है तो ऐसा मत कर देना 5 + 4 + 5 कहीं 14 लिख दो। यहाँ एलजेब्रिक सम नहीं है, मैग्नीट्यूड का सम नहीं है, पूरे वेक्टर्स का सम है। अगर आपको रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है तो इन तीनों को सिंपली ऐड नहीं कर दोगे मैग्नीट्यूड्स को। कैसे निकालोगे रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड वो अभी मैं अगले पार्ट में आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी के लिए ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस ये कहता है। आप चाहें तो इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। पिछले पार्ट में मैंने बताया था कोई भी वेक्टर होता है उसमें उसका मैग्नीट्यूड होता है और उसका डायरेक्शन होता है। तो आप ये देखिए, इसका जो मैग्नीट्यूड है F12 का, उसे हम ऐसे लिख ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन F कैप। ऐसे ही इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन F13 कैप। ऐसे ही इसका मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड और ये इसका डायरेक्शन F14 कैप। बेटा मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला तो हमने कूलम्स लॉ से पढ़ा है, K Q1 Q2 / R², तो फर्स्ट और सेकेंड के बीच है, तो K Q1 Q2 / R², कौन सा R? 1 और 2 के बीच फोर्स निकाल रहे हैं, 1 और 2 के बीच, तो डिस्टेंस भी 1 और 2 वाला ही लिखेंगे। बच्चे F12 की बात करें, F12 कैप, F12 जो फोर्स है F12, वो इसके डायरेक्शन में, नीचे के डायरेक्शन में लग रही है। किस डायरेक्शन में लग रही है? 2 से 1 की तरफ लग रही है, तो इसका जो डायरेक्शन है वो 2 से 1 की तरफ है, तो यहाँ पे R21 कैप लिख सकते हैं। ऐसे ही बच्चे मैग्नीट्यूड की बात करें, 1 और 3 के बीच जो फोर्स है उसका फॉर्मूला होगा K Q1 Q3 / R, डिस्टेंस कौन सा लेंगे? 1 और 3 के बीच वाला, यानी R13। और इसके डायरेक्शन की बात करें, ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, किस डायरेक्शन में? 3 से 1 की तरफ लग रही है, तो यहाँ पे R31 कैप, ये यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन बताता है। ऐसे ही यहाँ पे लिख देंगे K Q1 Q4 / R14, और डायरेक्शन, ये जो 1-4 का डायरेक्शन है, ये कौन सा डायरेक्शन है? 4 से 1 की तरफ, तो यूनिट वेक्टर में हम लिख देंगे R41 यूनिट वेक्टर। इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, K कॉमन ले सकते हैं जो भी कॉमन आ रहा है। लेकिन बच्चे ये ध्यान रखना, जब भी आप आखिरी में कोई डेरिवेशन या कोई न्यूमेरिकल करेंगे, वहाँ पे आप लास्ट स्टेप में K नहीं छोड़ेंगे, K की वैल्यू लिखेंगे। जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1/4π ε0, और अगर न्यूमेरिकल है, सॉल्व करना है, वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू डालेंगे 9 × 10⁻¹। अभी हमें वैल्यू नहीं निकालनी है, इसलिए सिर्फ सिंबल लिख रहे हैं, बाकी सब वैसा ही लिखा रहने दे रहे हैं। ये इस तरीके से Q1 Q3 / R13 R31 cap + Q1 Q4 / R14 / R41 cap, इस तरीके से ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमने बताया। तीन चार्जेस की वजह से गिवन चार्ज पे फोर्स लग रही थी, ऐसी 4 चार्जेस 5 चार्जेस 6 चार्जेस कितने भी हो सकते हैं, उसको लिखने का तरीका ये है। लेकिन उस फोर्स का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, वो मैं आपको अगले पार्ट में बता रहा हूँ। जैसे बच्चे मान लें कि गिवन चार्ज पे बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं, 3, 4, 5 फोर्सेस लग रही हैं, उन सारी 5 फोर्सेस का अगर हमें रिजल्टेंट निकालना है कि क्या होगा, तो बेटा 5ों फोर्सेस का रिजल्टेंट एक साथ नहीं निकाल सकते, उसमें हमें 2-2 फोर्सेस करके रिजल्टेंट निकालना होगा यूजिंग लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था। चलिए दो फोर्सेस का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे और क्या क्या केसेस हो सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले जो भी रिजल्टेंट फोर्स है दो फोर्सेस की, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे वो बताऊंगा, और फिर उसके बाद उस रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे वो बताऊंगा। बच्चे मान लें कि यहाँ पे 4 केसेस हो सकते हैं, किसी एक गिविन चार्ज पे मान लें कि 2 फोर्सेस लग रही हैं, ये एक गिविन चार्ज है इस तरीके से, इस पे 2 फोर्सेस लग रही हैं, पहली फोर्स F1 और दूसरी फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रही है F2, तो बेटा अगर हमें रिजल्टेंट देखें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से, तो हम जो रिजल्टेंट फोर्स है वो ऑब्वियसली यही लिखेंगे F1 vector + F2 vector। बच्चे लेकिन अगर हम रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड की बात करें कि मैग्नीट्यूड क्या होगा रिजल्टेंट फोर्स का, तो आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, अगर किसी भी एक बॉडी पर दो
फोर्सेस दो वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं वो भी सेम डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स को क्या कर देंगे? जी हाँ, ऐड कर देंगे। ऐसे ही अगर एक गिवन चार्ज पे फोर्सेस लग रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में, एक फोर्स लग रही है ऐसे F1 और एक फोर्स लग रही है इस तरीके से F2, F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, तो इस गिवन चार्ज पे रिजल्टेंट फोर्स अगर हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात करें तो लिखेंगे तो यही F1 प्लस F2 वेक्टर, ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ये इन दोनों का ही वेक्टर सम है। लेकिन अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मान लें इधर की तरफ 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है और इधर से ये खिंच रहा है 4 न्यूटन से, उधर 10 न्यूटन इधर 4 न्यूटन, तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी रह जाएगी? अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से कैंसिल हो जाती है, जिसकी वजह से अगर रिजल्टेंट फोर्स का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहें रिजल्टेंट फोर्स का, तो कैसे निकालेंगे? इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स को माइनस करके, ये 10 न्यूटन है ये 6 न्यूटन है, तो 10 माइनस 6 यानी लिख लेते हैं F1 माइनस F2, बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स माइनस कर देंगे। ऐसे ही बेटा तीसरा केस क्या हो सकता है? पहला केस है कि सेम डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही हैं, दूसरा केस अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं। तीसरा केस हो सकता है कि जैसे वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रही हैं, मान लें F1 फोर्स ऐसे लग रही है और F2 फोर्स ऐसे लग रही है। तो बच्चे आपको याद हो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमने पढ़ा था, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो उससे आप देखते थे पैलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से कि अगर हमें रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन बताना है तो यहाँ पे एक पैलोग्राम इस तरीके से बताया, एंड द रिजल्टेंट फोर्स विल बी गिवन बाय दिस डायगनल। अब ये जो रिजल्टेंट फोर्स है, ऑब्वियसली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से रिजल्टेंट फोर्स तो हम F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर ही लिखेंगे, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स इन दोनों का ही वेक्टर सम है। लेकिन इस रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा अगर ये दोनों 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं? तो बेटा वो हमने पढ़ रखा है, दो फोर्सेस जो 90 डिग्री पे एक्ट करती हैं उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगता है? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब बात आई एक चौथा जनरल केस, जिस जनरल केस से ये तीनों केसेस आ सकते हैं वो ये, जैसे ये तो था कि दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, मतलब कितने एंगल पर? 0 डिग्री पर। ये था दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में यानी कितने एंगल पर? 180 डिग्री एंगल पर। और ये था एक दूसरे से परपेंडिकुलर है यानी कितने एंगल पर? 90 डिग्री एंगल। अब मान लें कि जो दो फोर्सेस लग रही हैं वो किसी और ही एंगल पर लग रही हैं, मान लें थीटा एंगल पर लग रही हैं, जैसे कि एक फोर्स ये हो गई इस तरीके से F1 और इस गिवन चार्ज पे एक फोर्स लग रही है इस तरीके से F2, जिसके बीच का एंगल कितना है? थीटा डिग्री। अब इन दोनों का अगर बच्चे रिजल्टेंट निकालना है तो फिर से लॉ ऑफ पैलोग्राम एडिशन से हम एक पैलोग्राम बनाएंगे इस तरीके से, एक पैलोग्राम बनाएंगे, इसमें इस पैलोग्राम की जो डायगनल होगी, दिस डायगनल विल गिव द रिजल्टेंट, दिस डायगनल विल गिव द रिजल्टेंट। जिस रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला वेक्टर सम के हिसाब से तो ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन अगर हमें उसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपको क्या फॉर्मूला याद है 11th क्लास का वेक्टर्स का? बताइए। जी हाँ, क्या होगा? F1 और F2 जो थीटा डिग्री एंगल पर हैं, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। तो ये जनरल फॉर्मूला है, इस थीटा की वैल्यू आप यहाँ लगाएं तो यही फॉर्मूले निकल आएंगे। जैसे एक एग्जांपल बता देता हूँ, ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ लगा सकते हैं, दो वेक्टर्स के बीच 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू जब आप 90 लगाएंगे तो कॉस 90 कितना होता है? 0। तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, बचेगा सिर्फ क्या? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। तो ये जनरल फॉर्मूला है जो किसी में भी एप्लीकेबल है, लेकिन आप लोग कुछ स्पेशल केसेस याद कर लीजिए, क्योंकि बार बार न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा। सेम डायरेक्शन में प्लस कर देना, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस, 90 डिग्री पे है ये और किसी और एंगल पे है, तो आपको यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फिलहाल इन चार फॉर्मूले से हमने रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, लेकिन बच्चे क्योंकि फोर्स एक खुद वेक्टर क्वांटिटी है, तो किसी भी न्यूमेरिकल में अगर आपसे रिजल्टेंट फोर्स पूछी जाएगी तो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा आपको और उसका डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड तो इस फॉर्मूले से बता देंगे, डायरेक्शन किस फॉर्मूले से बताएंगे वो भी आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था। थोड़ा सा आपको मैं ब्रीफ कर दे रहा हूँ ताकि आपको आगे के न्यूमेरिकल्स करने में हेल्प रहे। मान लें बच्चे एक जनरल केस ले रहे हैं, जैसे ये F1 फोर्स लग रही है, ये F2 फोर्स लग रही है, तो इसका रिजल्टेंट जो आएगा, ऑब्वियसली अगर हम पैलोग्राम बनाएं इस तरीके से, तो रिजल्टेंट ये होगा, गलत बन गई भैया, ये होगा, ठीक है,
ये रिजल्टेंट फोर्स हो गई, दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल कितना था, थीटा। तो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड तो अभी आपने देखा किस फॉर्मूले से, एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा। लेकिन रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन कैसे बताएंगे? बेटा डायरेक्शन जब भी आपको बताना होगा या पूछा होगा तो डायरेक्शन हमेशा किसके टर्म्स में बताया जाता है, एंगल की टर्म्स में। आपको ये वाला एंगल निकालना होगा अल्फा, या ये वाला एंगल निकालना होगा बीटा। मतलब क्या कहने का है, अगर हम अल्फा निकाल लें तो जैसे फॉर एग्जांपल अल्फा निकाल के हमारा आ गया 30 डिग्री, तो कम से कम हम ऐसे इस तरीके से डायरेक्शन बोल सकते हैं कि भैया जो रिजल्टेंट फोर्स है वो एफ वन वाली फोर्स से 30 डिग्री पर इंक्लाइंड है। या फिर अल्फा के टर्म्स में बता दो डायरेक्शन, या फिर बीटा के टर्म्स में, मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स है वो F2 से कितने एंगल पर है, या तो F2 से एंगल बता दो या F1 से एंगल बता दो कितना होगा। एंगल कैसे निकालें, अल्फा या बीटा दोनों में से एक निकालना होगा, दोनों में से एक निकालने का, चलिए मैं दोनों के फॉर्मूले बता दे रहा हूँ कैसे निकालेंगे, वो आपने 11th क्लास में पढ़ा है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ और फॉर्मूले को याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। बच्चे टेन अल्फा आप निकालेंगे, टेन अल्फा का फॉर्मूला होगा, आप ये देखिए फॉर्मूला होगा इस तरीके से, एफ टू साइन थीटा अपॉन एफ टू कॉस थीटा प्लस एफ वन। बोले सर ये याद कैसे रखें, याद करने का तरीका बहुत आसान है। आप क्या करेंगे, जैसे रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन आप एफ वन से निकाल रहे हैं तो अल्फा निकाल रहे हैं, टेन अल्फा निकाल रहे हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन एफ वन से निकाल रहे हैं तो न्यूमरेटर में F1 नहीं आएगा, क्या आएगा, उसकी अपोजिट दूसरी फोर्स आएगी F2, और ऊपर साइन लग जाएगा F2 के साथ, ऊपर हमेशा साइन आएगा F2 साइन थीटा। अब ऊपर आपने F2 साइन थीटा तो लिख दिया, तो नीचे F2 कॉस थीटा लिख दीजिए। F2 F2 की बात हो गई, बचा कौन सा, कौन सी फोर्स, F1, साथ में पड़ोस में F1 बेचारा रह गया था, उसे और लिख दीजिए। चलिए एक एग्जांपल देखिए, शायद इससे आप बता पाएं। अगर हम ये वाला एंगल निकालने की बजाय बीटा निकाल रहे होते तो टेन बीटा का क्या फॉर्मूला होता, बताइए जरा। बीटा वाली जो एंगल है वो एफ का किसके साथ है एंगल, एफ टू के साथ, तो ऊपर क्या आएगा न्यूमरेटर में, एफ टू नहीं, बीटा एफ टू के साथ है तो ऊपर एफ टू नहीं F1, और क्या लगेगा F1 के साथ, साइन थीटा। तो भैया F1 के साथ साइन तो लग गया, कौन रह गया बेचारा, कॉस रह गया, तो F1 साइन थीटा, नीचे कर दीजिए F1 कॉस थीटा। अब F1 F1 की तो बहुत बातें हो गई, कौन बचा F2, तो यहाँ F2 लिख दीजिए। इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज डाल के आप अल्फा या बीटा निकाल सकते हैं। ध्यान रखिए थीटा क्या चीज़ है यहाँ पे, F1 और F2 के बीच का एंगल, ठीक है। एक बात और, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपका टेन बीटा आ गया, मान लें टेन बीटा आपके पास आ गया, कितना मान लें, चलिए टेन बीटा आपके पास आ गया, चलिए मान लें वन आ गया, तो बेटा बताइए कितने एंगल पर टेन बीटा की वैल्यू वन होती है, जी हाँ 45 डिग्री पे। इसका मतलब विच इम्प्लाइज दैट बीटा कितना रहा होगा 45 डिग्री, या तो ऐसे लिख देंगे या फिर रेडियन में लिखेंगे, तो रेडियन में लिख देंगे और करके पाई बाई 4 रेडियन। बच्चे अगर टेन बीटा की वैल्यू कुछ ऐसी वैल्यू है जिसे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं तो आपको जो याद है वो आप लिख देंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है हमेशा ऐसी वैल्यूज़ आएँ। हो सकता था कि टेन बीटा की वैल्यू इस तरीके से आ जाए 0.345, तो भैया कैसे करेंगे, तो आपको टेन की टेबल्स देखनी पड़ेंगी, बुक के पीछे जो दे रखी होती हैं लॉग टेबल्स के साथ साथ टेन की कॉस की साइन की टेबल्स हैं, उसे आपको रेफ़र करना होगा, जिसमें आपको बीटा निकालने के लिए ये टेन यहाँ से इधर ले जाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 0.345, और पीछे की टेबल से इसकी वैल्यू आप फाइंड करेंगे। अगर फाइंड करने में कोई दिक्कत है तो आप यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हैं, हालांकि रिकमेंडेड ये है कि आपको वैल्यूज़ देखना आनी चाहिए और इसका प्रॉपर एंगल जितना आएगा वो आपको लिखना है। तो बच्चे ये बात हो गई आपके प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की, जो पहले बताया, उसके हेल्प से अगर न्यूमेरिकल्स में रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है तो रिजल्टेंट फोर्स के मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ये मैंने आपको पूरा बताया। आगे हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, जिससे आपको आसानी होगी आगे के क्वेश्चंस करने में। दैट्स ऑल फॉर टुडे।
थैंक यू वेरी मच बच्चे, लेकिन मेहनत जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं करिए। ये समय निकल रहा है, ये समय दोबारा नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए और अपने टारगेट को अचीव करिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।